एक कॉमन मिस्टेक जो क्रिएटर्स करते हैं इज कि वो अपना न्यू चैनल क्रिएट करते ही बिना किसी इंपॉर्टेंट सेटिंग को ऑन किए वीडियोस डालना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। आज मैं आपको बताऊंगा 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिन्हें ऑन करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल कम्प्लीटली सेटअप हो जाएगा एंड यू विल बी रेडी टू अपलोड वीडियोज। लोग मुझसे पूछते हैं कि डिकोडिंग वाईटी क्रिएट करते वक्त मैंने किन सेटिंग्स को ऑन किया था, तो वीडियो पूरा देखो, सब बताऊंगा। इन सेटिंग्स से आपको अपने चैनल में ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, आपका चैनल सिक्योर हो जाएगा एंड ऑल्सो यू विल गेट मोर सब्सक्राइबर्स। अगर आपका चैनल बहुत पुराना भी है तो भी इस वीडियो को पूरा देखना टू मेक श्योर कि आपके सभी सेटिंग्स सही हैं। लेट्स बिगिन। जो पहला सेटिंग है उसके लिए हम आ जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में एंड बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो सेटिंग्स आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर चैनल सेलेक्ट करेंगे एंड देन वील क्लिक ऑन फीचर एलिजिबिलिटी। यू कैन सी हमारे पास है स्टैंडर्ड, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड फीचर्स। स्टैंडर्ड फीचर्स चैनल क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाते हैं एज लॉन्ग एज आपके चैनल में कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना हो। इसके बाद वी हैव इंटरमीडिएट फीचर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसे इनेबल किए बिना आप 15 मिनट से लंबे वीडियोज नहीं डाल सकते, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कस्टम थंबनेल भी नहीं लगा पाओगे। सो ये पहला सेटिंग है जो हर क्रिएटर को ऑन करना चाहिए। इसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई फोन नंबर एंड आप एक डिफरेंट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे जहां आपको कंट्री सेलेक्ट करके अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट कोड। फिर जो वेरिफिकेशन कोड मिले उसे एंटर करो एंड कॉन्ग्रेट्स, योर फ़ोन नंबर इज़ वेरीफाइड। एंड फाइनली वी हैव एडवांस फीचर्स जिसे इनेबल करने से आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लिकेबल लिंक्स ऐड कर पाओगे, कम्युनिटी पोस्ट कर पाओगे, कमेंट्स पिन कर पाओगे एंड और भी बहुत फीचर्स मिलेंगे जो आप यहाँ पढ़ सकते हो। फुल लिस्ट ऑफ फीचर्स जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक दिया है, पढ़ सकते हो। एडवांस फीचर्स इनेबल करने के लिए पहले तो आपके इंटरमीडिएट फीचर्स इनेबल्ड होने चाहिए एंड उसके बाद आपको इन 3 वेरिफिकेशन मेथड्स में से किसी एक को चूज करना है। पहला है वीडियो वेरिफिकेशन जिसमें आपको सिर्फ अपने कैमरा में देखते हुए स्क्रीन पर आ रहे प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करके एक 30 सेकंड्स का वीडियो बनाना है। फिर है वेरिफिकेशन यूजिंग अ वैलिड आईडी। बेसिकली अपने किसी गवर्नमेंट आईडी जैसे पासपोर्ट या ड्राइवर्स लाइसेंस का पिक्चर अपलोड करना होगा। एंड लास्टली वी हैव द ऑप्शन टू बिल्ड चैनल हिस्ट्री। अगर आप इस मेथड से वेरिफिकेशन करते हो तो आपको बस अपने चैनल पर एक्टिव रहना है, वीडियोस डालना है एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के अंदर आपके एडवांस फीचर्स खुद ही इनेबल हो जाएंगे। डिकोडिंग वाईटी चैनल के लिए एडवांस फीचर्स इसी मेथड से इनेबल हो गया था बट आई डोंट थिंक यू वुड वांट टू वेट फॉर सो लॉन्ग। सो आई रिकमेंड कि आप वीडियो वेरिफिकेशन मेथड यूज करो बिकॉज इसमें सबसे कम समय लगता है। After you select this, आपको एक ईमेल आएगा जहां से आप वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। एंड या वंस यू कंप्लीट दैट यू विल हैव एक्सेस टू एवरी यूट्यूब फीचर। सेकंड सेटिंग के लिए हम चैनल मेन्यू के बेसिक इन्फो सेक्शन में आ जाएंगे एंड यहाँ पर वील गेट द ऑप्शन टू सेलेक्ट कंट्री ऑफ रेसिडेंस। अब ऑल दो ये सेटिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जिस कंट्री में आप रहते हो उसका नाम सेलेक्ट करना है, बट कुछ क्रिएटर्स का एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पर आप जिस कंट्री का नाम भरते हो आपके व्यूज भी वहीं से आते हैं। सो लाइक बहुत सारे लोग US ऑडियंस के लिए वीडियोज बनाते हैं तो आई हैव सीन कि वो कंट्री ऑफ रेसिडेंस में US सेलेक्ट करते हैं, तो ये गलती मत करना। YouTube खुद कहता है कि यहाँ पर आप जिस कंट्री का नाम सेलेक्ट करते हो वो सिर्फ ये डिटरमाइन करता है कि आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। सो इंडिया में रहते हो तो इंडिया ही सेलेक्ट करना ताकि मोनेटाइजेशन में कोई इशू ना हो। तीसरा सेटिंग जस्ट इसके नीचे है, डैट इज चैनल कीवर्ड्स। YouTube ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है। ऑल इट सेज इज कि आपको अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करना है। कैसे कीवर्ड्स वो तो नहीं बताया गया है, तो डिकोडिंग वाईटी के लिए मैंने जो किया था वो बताता हूँ। सबसे पहले अपने चैनल का नाम ऐड कर देंगे, लाइक इस एक्सपेरिमेंट चैनल का नाम है नैनो नर्ड हब, तो पहला कीवर्ड मैं वही डाल दूंगा। फिर जो चैनल नेम है उसके इंडिविजुअल वर्ड्स को लिख सकते हैं, लाइक नैनो नर्ड और हब। फिर आपका चैनल जिस भी नीश में है उसका नाम लिख सकते हो। अपने चैनल पर जिन चीज़ों के अराउंड वीडियोस बनाते हो वो सब भी लिख सकते हो। एंड फाइनली अपने नीश के 2-3 पॉपुलर क्रिएटर्स का नाम भी ऐड कर सकते हो एज कीवर्ड्स। फोर्थ सेटिंग के लिए चैनल मेन्यू के एडवांस सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करो एंड यहाँ पर यू विल गेट द ऑप्शन टू सेलेक्ट योर चैनल्स ऑडियंस, मेड फॉर किड्स और नॉट मेड फॉर किड्स। सो इनमें से कौन सा सेलेक्ट करें? सो आपको मेड फॉर किड्स तभी सेलेक्ट करना है जब आपकी वीडियो की टारगेट ऑडियंस सिर्फ किड्स हो।
यानी कि व्यूअर्स अंडर द एज ऑफ 13। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिकोडिंग वाईटी की वीडियो है तो उसे अडल्ट भी देख सकते हैं एंड कोई 10 साल का बच्चा भी देख सकता है जिसका एक यूट्यूब चैनल हो। बट क्या मेरे वीडियोज स्पेशली बच्चों के लिए बने? ऑफ कोर्स नॉट। दैट्स व्हाई आई मार्क माई वीडियोज एज नॉट मेड फॉर किड्स। वहीं अगर मेरा नर्सरी राइम्स का चैनल होता तो ऑब्वियसली उसकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ किड्स होती बिकॉज वो स्पेशली बच्चों के लिए बना है। इन दैट केस मैं वीडियोज को मार्क करता एज मेड फॉर किड्स। आई एम श्योर ज्यादातर लोगों का कॉन्टेंट नॉट मेड फॉर किड्स होगा, बट स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो अपने चैनल और अपने वीडियोस को लेकर तो आई रिकमेंड कि डिस्क्रिप्शन में जो आर्टिकल है उसे आप खुद पढ़ो एंड डिटरमाइन करो कि आपके वीडियोस मेड फॉर किड्स हैं या फिर नॉट मेड फॉर किड्स। किसी भी वेल नोन यूट्यूबर के वीडियो पर चले जाओ एंड यू विल सी कि उनका बहुत ही लंबा वेल रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। ऑब्वियसली अगर इतने लंबे डिस्क्रिप्शन को बार बार लिखना पड़े तो बहुत मेहनत लगेगी। सो इसी मेहनत से बचने के लिए हम सेटिंग नंबर 5 का यूज करेंगे। चैनल सेटिंग्स में अपलोड डिफॉल्ट मेन्यू में आ जाओ एंड यहाँ पर वी हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट डिफॉल्ट टाइटल, डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन, डिफॉल्ट विजिबिलिटी एंड डिफॉल्ट टैग्स। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल के बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। यू कैन ऐड सोशल मीडिया लिंक्स एंड ऑल्सो अपने चैनल से रेलिवेंट कुछ हैश टैग्स ऐड कर सकते हो। फिर टैग सेक्शन में अपने चैनल का नेम ऐड कर दो इन अ फ्यू डिफरेंट वेज एंड सेव कर दो। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी वीडियोज अपलोड करोगे तो डिस्क्रिप्शन और टैग्स में ये सब कुछ पहले से लिखा रहेगा। इसके बाद क्लिक ऑन एडवांस सेटिंग्स एंड यहाँ एक और सेटिंग होगी अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स एंड की मोमेंट्स। नाउ चैप्टर्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एक यूट्यूब वीडियो के लिए, स्पेशली अगर आपके वीडियो में बहुत से टॉपिक्स कवर्ड हैं तो आपको चैप्टर्स जरूर ऐड करने चाहिए एज इट कैन हेल्प इंक्रीज वॉच टाइम एज वेल। सो अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखते हो तो यूट्यूब के पास ऑप्शन होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपके वीडियोज में चैप्टर्स ऐड कर दें, जो कि सुनने में बहुत अच्छा है बट एक्चुअल में अच्छा नहीं है। ऑटोमेटिक चैप्टर्स बहुत ही अनरिलायबल एंड इनएक्यूरेट होते हैं एंड बहुत रेयरली ऐसा होता है कि YouTube खुद सभी चैप्टर्स को सही से ऐड करे। That's why I recommend कि इस सेटिंग को ऑफ रखो एंड खुद ही अपने वीडियोस में चैप्टर्स ऐड करो। नाउ उससे पहले कि हम नेक्स्ट सेटिंग पर जाएं, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ टूल जिसने मेरे चैनल के ग्रोथ में बहुत मदद की है एंड दैट इज vidIQ। vidIQ में बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक YouTube चैनल के ग्रोथ के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देयर कीवर्ड्स टैब, जहां से आप ऐसे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कॉम्पिटिशन कम, विच मीन्स कि एक नया चैनल भी इन कीवर्ड्स पर रैंक कर सकता है और व्यूज ला सकता है। We also have vidIQ's AI generated daily video ideas। ये टूल आपके नीश के ट्रेंड्स को स्टडी करके बहुत सारे वीडियो आइडियाज सजेस्ट करता है एंड ये भी प्रिडिक्ट करता है कि उस वीडियो आइडिया पे व्यूज आने के चांसेस कितने हैं। इसके अलावा देयर इज दिस रियली अमेजिंग टूल कॉल्ड द AI कोच हु इज लाइक अ यूट्यूब मेंटर, जो आपके चैनल से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करेगा और आपको गाइड भी करेगा। लाइक आप इसे अपना चैनल रिव्यू करने के लिए भी बोल सकते हो एंड ये बताएगा कि आपके चैनल के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं एंड इसके पास आपके लिए क्या सजेशंस हैं। एंड दीज आर जस्ट 3 आउट ऑफ सो मेनी हेल्पफुल टूल्स जो vidIQ ऑफर करता है। ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई आउट द फ्री वर्जन, बट अगर आप सभी फीचर्स को कम्प्लीटली एक्सेस करना चाहते हो देन टुडे यू कैन गेट देयर बूस्ट प्लान विद अ स्पेशल डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए हुए स्पेशल लिंक पर क्लिक करो एंड यू विल गेट अ 90% ऑफ डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट मंथ। फॉर द नेक्स्ट सेटिंग हम YouTube स्टूडियो के चैनल कस्टमाइजेशन पेज पर आ जाएंगे। देन वी विल क्लिक ऑन बेसिक इन्फो एंड हियर एट द बॉटम यू विल गेट द ऑप्शन टू ऐड योर कॉन्टैक्ट इन्फो। बेसिकली यहाँ आपको एक ईमेल एड्रेस ऐड करना है बिजनेस पर्पज के लिए, लाइक कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप्स एक्सेट्रा। अब यहाँ जो मिस्टेक 99% क्रिएटर्स करेंगे इज कि वो उसी ईमेल आईडी को ऐड कर देंगे जिससे उनका YouTube चैनल बना हुआ है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके चैनल के हैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज वो ईमेल आईडी पब्लिकली सभी के लिए विजिबल होगा including hackers। So I recommend कि अपना कोई भी और दूसरा email ID add करो यहाँ पर या फिर एक separate email account बनाओ just for business purpose ताकि आपका channel secure रहे। Channel को secure करने के लिए एक और बहुत important setting है, setting number 9, तो उसे miss मत करना। 7th सेटिंग के लिए हम अपने चैनल पेज को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके लिए चैनल कस्टमाइजेशन पेज के लेआउट सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पर पहला ऑप्शन है टू ऐड अ चैनल ट्रेलर। बेसिकली अगर कोई यूजर फर्स्ट टाइम आपके चैनल को विजिट कर रहा है एंड उसने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके लिए आप अपने चैनल के होम पेज पर जो वीडियो ऐड करते हो उसे ही चैनल ट्रेलर बोलते हैं। सो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो।
इसके बाद वी हैव फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। यहाँ पर आप जो वीडियो सेलेक्ट करोगे वो उन लोगों को दिखेगी जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर एक सब्सक्राइबर ने वो वीडियो पहले ही देखी हुई है तो इन दैट केस दे विल नॉट सी इट। नेक्स्ट वी हैव द ऑप्शन टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ द फॉर यू सेक्शन। ये सेक्शन यूट्यूब चैनल्स के होम पेज पर होता है एंड इसमें वीडियोज एक पर्टिकुलर व्यूअर के इंटरेस्ट के बेसिस पे रिकमेंड होती है। सो यू कैन चूज वेदर टू टर्न इट ऑन और ऑफ। अगर आप इसे ऑन रखते हो तो मोर सेटिंग्स पर क्लिक करके ये भी डिसाइड कर सकते हो कि इस सेक्शन में कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए। एंड फाइनली वी हैव फीचर्ड सेक्शंस। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने चैनल पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी के चैनल पर देखो, देयर इज अ हिस्ट्री एजुकेशन सेक्शन, साइंस सेक्शन, जियोपॉलिटिक्स सेक्शन। सो ये सभी उनके चैनल के डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जिन्हें इस सेटिंग के हेल्प से चैनल पेज पर लाया गया है। तो ऐसे ही आप भी अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। इफ यू क्लिक ऑन ऐड सेक्शन तो आप पॉपुलर वीडियोस, प्लेलिस्ट्स, फीचर चैनल्स एंड और भी बहुत चीज़ों का सेक्शन ऐड कर सकते हो टू गेट अ कस्टमाइज्ड लुक। इस नेक्स्ट सेटिंग से मुझे हर महीने 100-200 एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए कस्टमाइजेशन पेज के ब्रांडिंग सेक्शन में आ जाओ एंड यहाँ पर यू विल गेट द ऑप्शन टू ऐड अ वीडियो वाटरमार्क। ये बेसिकली आपके वीडियोस के बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में एक कॉल टू एक्शन बटन की तरह काम करेगा। मतलब अगर व्यूअर्स इस पे माउस हवा करेंगे तो दे विल गेट द ऑप्शन टू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप अपने चैनल का लोगो अपलोड कर सकते हो जैसा मैंने डिकोडिंग वाईटी के लिए किया है, और इफ यू वॉन्ट यू कैन ऐड अ सब्सक्राइब आइकॉन लाइक दिस। अब चाहो तो इसके डिस्प्ले टाइम को भी कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन चूज वेदर ये आइकॉन वीडियो के एंड में आएगा, पूरे वीडियो में रहेगा या फिर किसी कस्टम टाइम पर आएगा। ये लास्ट सेटिंग आपके चैनल की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड येट इट इज़ इग्नोर्ड बाय मोस्ट क्रिएटर्स। इट इज़ कॉल्ड टू स्टेप वेरिफिकेशन। अगर ये सेटिंग आपके अकाउंट के लिए ऑफ है तो आपको यूट्यूब स्टूडियो में सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा डैट योर अकाउंट इज एट क्रिएटर रिस्क ऑफ अटैक बिकॉज यू डोंट हैव टू स्टेप वेरिफिकेशन। नाउ व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? लेट्स से कोई आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड स्टील कर लेता है। इन दैट केस अगर आपके अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है देन उस हैकर को सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे और वो अपने डिवाइस में आपका अकाउंट साइन इन कर लेगा। वहीं अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया होगा तो हैकर के पासवर्ड एंटर करने के बाद गूगल रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपका अकाउंट एक नए डिवाइस पर साइन इन हो रहा है एंड एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन प्रॉम्प्ट भेजा जाएगा आपके फोन पर जिसे टैप किए बिना वो हैकर आपके अकाउंट में साइन इन नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इसे ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, सेलेक्ट अ डिवाइस जिस पे आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हो, ऐड अ बैकअप ऑप्शन, एंड क्लिक टर्न ऑन, एंड कॉन्ग्रेट्स, योर अकाउंट इज नाउ फुली सिक्योर्ड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे जिन पर हर क्रिएटर को ध्यान देना चाहिए व्हेन क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल। ऑफ कोर्स सिर्फ सही सेटिंग से एक चैनल ग्रो नहीं होता, सो अगर आपको ग्रो करना है तो यू नीड अ प्रॉपर रोड मैप जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है। इफ यू फॉलो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो देन इस साल आपके एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के चांसेस 10x हो जाएंगे। सो जल्दी से इस वीडियो पर क्लिक करो और देखो। एंड या मैं आपसे वही मिलूंगा। बाय।